सामर्थ पोर्टल में सभी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि रजिस्ट्रेशन कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं उनकी ईमेल आईडी गलत हो गई। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस वीडियो में आपके सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। यदि आपकी ईमेल आईडी गलत हो गई है तो कैसे सही की जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने दो लिंक जनरेट किए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लिंक ये जनरेट किया है यूनिवर्सिटी में जो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है, और एक लिंक यूनिवर्सिटी ने ये जनरेट किया है नीचे, ये है उन कैंडिडेट के लिए जिनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गलत हो गई है। दोनों लिंक अलग अलग हैं, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आप दोनों लिंक पर क्लिक करोगे तो सेम एक जैसी विंडो खुलेगी। तो दिखा देता हूं मैं, यहां पर जैसे स्टूडेंट क्लिक कर रहे हैं और ऐसे यहां पर जाते हैं तो ये विंडो आपकी खुल करके ओपन हो जाती है। ये इस तरीके से खुल रही है और यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन जो इसका दूसरा लिंक यूनिवर्सिटी ने जनरेट किया है उसको जब आप ओपन करते हैं तो यहां पर चेंज ईमेल और मोबाइल नंबर का ये जो लिंक है इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो भी सेम वैसे ही विंडो खुलती है। यहां पर मैं दिखा देता हूं, ये आप देख लीजिए सेम वैसे ही विंडो खुली है और इसमें भी सेम वैसे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ये दोनों लिंक यूनिवर्सिटी ने जनरेट किए हैं और इसका पीडीएफ भी बनाया है, मैं पीडीएफ भी आपको दिखा देता हूं। ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका पीडीएफ है, मैं ओपन करके दिखा देता हूं। ये पीडीएफ है इसका, किस तरीके से करना है ये देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ये ऊपर कि न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ओल्ड स्टूडेंट इन सामर्थ पोर्टल चेंज ईमेल एंड मोबाइल नंबर। ये लिंक कोई मैंने नहीं बनाया है, ये यूनिवर्सिटी ने लिंक बना के दिया है और मैंने इससे बहुत से स्टूडेंट के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज किया है। बहुत से स्टूडेंट के गलत हो गए थे, किसी के gmail.com की जगह जीमेल में स्पेलिंग गलत कर दिया, किसी ने अपने नाम में स्पेलिंग गलत कर दिया, इस तरीके से बहुत से स्टूडेंट ने गलत किया और मैंने खुद सही किया है। अपने खुद कंप्यूटर पर मैंने इसको डालकर और उनके ईमेल और मोबाइल नंबर को अपडेट किया है। इसमें भी सेम वैसे ही बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको करना है। ये आपको बता रहा है कि इस वेबसाइट को लॉगिन करना है और यहाँ पर ऐसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर इस तरीके से ये पूरा फॉर्म जैसे फिलअप किया जाता है इस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर देना है और उसके बाद ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का। तो आप सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर आप लॉगिन हो जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी ने स्वयं लिंक बनाया है, लेकिन यहाँ पर गलती क्या हो रही है आप लोगों की, आप ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपने यदि इस लिंक में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन किया और आपकी ईमेल आईडी गलत हो गई तो आप ये नीचे वाले लिंक में क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी बदल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पर स्टूडेंट से गलती हो रही है क्योंकि दो लिंक जनरेट कर दिए गए हैं तो दोनों लिंक में लोग समझ नहीं पा रहे हैं और दोनों लिंक में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो यहां पर आप देख लीजिए, जो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया है इस रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करके जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और यदि आपकी ईमेल आईडी गलत हो गई तो आप ये नीचे चेंज ईमेल मोबाइल नंबर वाले जो लिंक है इससे आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज कर पाएंगे और दोनों में केवल एक ही मौका मिलेगा। ऊपर वाले लिंक में भी आपको एक मौका मिलेगा, एक बार में यदि आपने गलत कर दिया तो नीचे वाले लिंक में भी आपको सिर्फ एक बार मौका मिलेगा सही करने का, और यदि आप उसमें भी सही ना कर पाए तो फिर आप बिल्कुल भी सही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक ही मौका है दोनों लिंक में। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैंने एक ही बार किया है और मेरा दोबारा से सही नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने ये नीचे वाले लिंक में क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप गए हैं तो फिर आप उस ईमेल आईडी को या मोबाइल नंबर को सही नहीं कर पाएंगे। यदि आप डायरेक्ट नीचे वाली लिंक पर जाकर आपने चेंज करने की कोशिश की है तो आप सही नहीं कर पाएंगे। यदि किसी ने ऊपर वाले इस लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन किया और उसकी ईमेल या मोबाइल नंबर गलत हो गया तब तो आप ये नीचे वाले लिंक से आप सही कर पाएंगे। यदि आपने पहले से ही नीचे वाले लिंक में क्लिक करके न्यू अकाउंट पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन किया है
तो आप बिल्कुल भी सही नहीं कर पाएंगे। ये दोनों लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। यदि आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो ये ऊपर वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे, यदि आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो ये ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है, और यदि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गलत हो गया है, ये ऊपर वाले लिंक में क्लिक करके आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गलत हो गया, तो उसके लिए ये नीचे वाला लिंक है। अब बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ये नीचे वाला लिंक काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये नीचे वाला लिंक काम तो कर रहा है, मैं बराबर इससे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज किया है, लेकिन ये कभी कभी सर्वर इशू की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये नीचे वाला लिंक सही से काम नहीं करता है। आप बराबर कीजिए, जैसे एक बार मैंने एक ईमेल आईडी को मैंने चेंज कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैंने चेंज करने के लिए किया तो इस नीचे वाले लिंक ने काम नहीं किया, लेकिन मैंने उसके कुछ समय बाद लगभग 2 से 3 घंटे बाद किया तो ये नीचे वाले लिंक से काम हो गया। मैंने शाम को 9:15 पर किया था तो ये नीचे वाले लिंक से काम हो गया। आप भी ऐसे ही कीजिए, कुछ समय रुक रुक के आप लोग ट्राई करते रहिए, यदि आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपकी ये ऊपर वाले रजिस्ट्रेशन से गलत हुआ है तो मैं गारंटी लेता हूं ये नीचे वाला, इसीलिए वेबसाइट बनाई गई है, इससे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही हो जाएगा तब जब आपका गलत हुआ है ऊपर वाले लिंक से। यदि नीचे वाले लिंक से ही गलत हुआ है तो सही नहीं होगा। और भी यदि टेक्निकल में कोई परेशानी हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, स्टूडेंट की मैं बराबर हेल्प करता रहता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।